आज मैं करने वाली हूँ सरस्वती माता लुक चैलेंज। तो सरस्वती माता बनने के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए, रेड साड़ी या ये व्हाइट साड़ी? रेड साड़ी तो लक्ष्मी माता पहनती है और सरस्वती माता तो व्हाइट साड़ी पहनती है, इसलिए मैं व्हाइट साड़ी पहनूंगी। सरस्वती माता वाला मेकअप करना है या दुर्गा माता वाला मेकअप करना है? आज मैं सरस्वती माता बनी हूँ, इसलिए मैं सरस्वती माता वाला मेकअप करूंगी। गले में हार पहनना है या माथे पे मुकुट लगाना है? सरस्वती माता जैसे दिखने के लिए गले में हार भी पहनूंगी और माथे पे मुकुट भी लगाऊंगी। कानों में झुमके पहनना है या कमर में कमरबंदी लगाना है? सरस्वती माता तो कानों में झुमके भी पहनती है और कमर में कमरबंदी भी लगाती है, इसलिए मैं दोनों लगाऊंगी। हाथों में चूड़ियां पहनना है या बाजू में बाजूबंद लगाना है? हाथों में चूड़ियां भी पहनूंगी और बाजू में बाजूबंद भी लगाऊंगी। हाथों में आलता लगाना है या नाक में नथनी पहनना है? हाथों में आलता भी लगाऊंगी और नाक में नथनी भी पहनूंगी। हाथों में कमल का फूल लेना है या किताबें लेना है? सरस्वती माता तो कमल का फूल भी लेती है और किताबें भी लेती है, इसलिए मैं दोनों लूंगी। मैं हूँ सरस्वती माता और लोग मुझे प्यार से विद्या की देवी कहते, लोग मेरी पूजा करते और बदले में मैं उन्हें ज्ञान देती हूँ। हे सरस्वती माता, आप मुझे ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए। अवश्य पुत्री, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। तथास्तु। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना और कमेंट में जय सरस्वती माता जरूर लिख देना।